उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण निकाय में और नगर निकाय में बहुत अच्छी सफलता मिली। कुछ जगह पर हम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, तो उसके कारणों के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम की समीक्षा के साथ उसमें सिंगरौली भी एक स्थान है, उसकी हमने भरपूर समीक्षा करते हुए आगामी समय में जिन बातों के कारण से हमें परेशानी हुई उन बातों को कैसे ठीक किया जा सकता है। एक है जहां जहां पर कुछ ऐसा होगा वहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने काम को और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उसकी तैयारी हमने पूरे मध्य प्रदेश में बड़े बेहतर तरीके से की है। एक बात मैं मीडिया के मित्रों को जरूर कहना चाहता हूं कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को केवल बहुमत नहीं, एक ऐतिहासिक बहुमत जो मिला, और मैं इसके बारे में कहूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने 51% वोट से की बात एक संकल्प हमने लिया है कि हर बूथ पर इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। नगर निगम में मध्य प्रदेश के अंदर पार्षदों के चुनाव का जो वोट शेयर है आज मुझे बताने में आप सब लोगों को इस बात के लिए मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन सब की मेहनत का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्षदों का वोट से 53% समथिंग मध्य प्रदेश के अंदर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर अपने लूज किए कुछ मेयर के इलेक्शन में तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी पार्षदों में चाहे जबलपुर होगा पहले 42 या 44 पार्षद है, ग्वालियर में पार्षदों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी का था, सिंगरौली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, ऐसे जहां पर कुछ मेयर के उस पर चूक अगर हमसे हुई है तो बहुमत और जनमत दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने व्यापक समर्थन दिया है। नगर पालिका परिषद में अगर मैं वोट से की बात करूं तो 49.78% वोट भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका के पार्षदों का जो वोट शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। नगर परिषद में भी जो ऐतिहासिक बहुमत से जीते हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 50% से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मिला है। इस बात का मैंने उल्लेख इसलिए किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के ओवरऑल चुनाव में ग्रामीण निकाय नगर निकाय के चुनाव में मैंने मीडिया के मित्रों से भोपाल से बात कर रहा था तो मैंने कहा था ये जो डबल भरने वाले लोग हैं हमेशा झूठ और इसके आधार पर बात करते हैं, मैंने कहा था कि 44 जिला पंचायत हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी 42 जीती और एक भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतने के बाद वो सम्मिलित हुए। 43 भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष आज मध्य प्रदेश में रहे और मध्य प्रदेश में पहली बार इतना बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नीचे तक मेरे पुत्र की भाई बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना नीचे तक पहली बार इतना बहुमत मिला उसका आभार भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की मजबूती, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जनता का विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं जो हर गरीब के जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज हम पूरे देश के तौर मध्य प्रदेश के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ा आधार